अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बताएगा। वालेकुम जी मैम आ अस्सलाम। रही है। ठीक है, कह रहा है क्लास स्टार्ट करें। यस मैम। अच्छा, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। आप लोगों ने मेरे साथ मेरे ख्याल जर्नल अल्ट्रासाउंड पढ़ा हुआ है, वही बच्चे हैं सारे? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, इंट्रोडक्शन की तो कोई जरूरत नहीं है। मुझे ना अगर आप 2 मिनट देते हैं, मैं यूएसबी लगाई है यहाँ पे, चल नहीं रही है, मैं उसको ऊपर डिपार्टमेंट में जाके ईमेल करके आ रही हूँ, ठीक है, लेक्चर को। तो मुझे 5 मिनट का टाइम दे, मैं अभी आते साथ ही फिर लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? आप लोग वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके मैम।
जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आज हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले हम लोगों ने जनरल अल्ट्रासाउंड पढ़ा था, उसकी बेसिक्स पढ़ी थी और उसके बारे में मतलब वो वेव्स थी, साउंड वेव्स थी। आज हम रेडियोलॉजी के बारे में स्टार्ट करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है क्या, ठीक है? आपका सब्जेक्ट बेसिकली है क्या, एक्सरे मैमोग्राफी एंड स्पेशल रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स, ये आपका जो है वो सब्जेक्ट है। अब इसके अंदर एक्सरेज, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज एक्सरेज, कौन सी रेडिएशंस है उसके बारे में, और उन रेडिएशंस के अलावा हमारे पास सराउंडिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हम लोग उसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो है एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरेज के बाद उसकी क्या हम लोग एक्सरेज की यूजेस क्या है, ठीक है? एक्सरेज के यूजेस के बाद जो है फिर हम लोग उसके मैमोग्राफी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये सबके अंदर सोर्स क्या है, रेडिएशन, रेडिएशन एक्सरेज है। एक्सरेज खुद के अंदर भी एक्सरेज यूज हो रहे हैं, मैमोग्राफी के अंदर भी एक्सरेज यूज हो रहे हैं, सीटी स्कैन के अंदर भी एक्सरेज यूज हो रहे हैं, ठीक है? इन सब जो मोडालिटीज हैं इनकी सोर्स क्या है, एक्सरेज। तो सबसे पहले हम एक्सरेज के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो एक्सरेज है ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये रेडिएशंस कौन सी हैं, और उन सबसे पहले हम लोग सब थोड़ा सा ना फिजिक्स को रिवाइज करेंगे जो हमारी एफएससी की फिजिक्स थी, ठीक है? एक मिनट में लेक्चर खोल लूं। आज एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर है और लेके यहाँ पे क्लास में मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास लेना ना, सारी चीजें जो है मैनेज नहीं है इनकी।
ओके क्लास, आपको स्क्रीन शेयर हो गई है? यस मैम। ओके सॉरी, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी कुछ उसकी वजह से डिले हो गया। अच्छा आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ना रेडियोलॉजी के कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोगों के पास अगर रेडियोलॉजी में हम काम कर रहे हैं तो बेसिक चीजें क्या है। थोड़ी सी फिजिक्स को हम रिवाइज करेंगे जो कि हम लोग एफएससी में भी फिजिक्स पढ़ते आ रहे होते हैं। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज एटम, व्हाट इज न्यूक्लियस, ये सारी चीजें आप लोगों को पहले भी पता होंगी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों ने इसको रिवाइज करना है बिकॉज वी आर वर्किंग इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी के अंदर आपके पास रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होंगी, आर दीज रेडिएशन आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, इनके क्या इफेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर और क्या इनके यूजेज है। ठीक है, हम लोग इन एक्सरेज को यूज करते हुए किन किन मोडेलिटीज की सोर्स जो है वो एक्सरेज है और किन किन मोडेलिटीज को हम उनको मतलब डिफरेंट सोर्सेज क्यों यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सरेज के अंदर एक्सरेज यूज कर रहे हैं तो उसमें और मैमोग्राफी में क्या फर्क है। मैमोग्राफी के अंदर भी एक्सरेज हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फ्लोरोस्कोपी क्या प्रोसीजर है उसके अंदर भी सोर्स क्या है, एक्सरेज है। इसके अलावा सीटी स्कैन है उसके अंदर भी सोर्स क्या है, एक्सरेज है। इस तरह हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड में पढ़ा था उसके अंदर सोर्स क्या थी, वहां पे हमारे पास सोर्स है साउंड वेव्स। ठीक है, वो आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, उसके अंदर कोई रेडिएशन यूज नहीं हो रही। आप लोगों को इन दोनों का फर्क पता होना चाहिए, वो क्या थी, वो वेव्स थी। ठीक है, साउंड वेव्स होती है। ठीक है, और ये क्या है, ये रेज है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेव एंड रेज। तो वेव क्या थी, वो साउंड वेव्स थी जो कि प्रोपोगेट करती थी, मीडियम रिक्वायर्ड होता था उसके लिए। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको अल्ट्रासाउंड में आप लोगों ने बेसिक्स में पढ़ी थी, कैसे वो प्रोपोगेट करती थी साउंड वेव्स, उसके लिए मीडियम क्यों रिक्वायर्ड होता है, हम जेल लगाते हैं उस क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड था। अब हम लोग वो वेव्स थी, अब इस हम लोग जब रेडियोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं तो रेडियोलॉजी के अंदर हम लोगों ने रेज का वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो आप लोगों से जब मैं वाइवा क्वेश्चन भी पूछूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेव एंड रेज। रेज अब हम रेडियोलॉजी में यूज करते हैं, व्हाट आर रेज। ठीक है, उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि देखो हर चीज जो है वो मैटर, आपने पढ़ा होगा मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये वाली चीजें जो फर्स्ट लाइन आप लोग पढ़ रहे हो, ये हम लोगों ने सारा इस लेक्चर के अंदर कवर करना है कि इनकी क्या डेफिनेशन है। सिंपल सिंपल सब स्लाइड्स के अंदर डेफिनेशन है जो कि हम लोगों ने एफएससी में पढ़ी हुई है, सिर्फ हम फिजिक्स रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम आगे जा सकें किस तरफ, प्रोडक्शन एक्सरेज की प्रोडक्शन की तरफ, और एक्सरेज है तो वो क्या है। ठीक है, दीज इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड आयनाइजिंग रेडिएशन। द प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन एज अ डायग्नोस्टिक टूल सर्व एज द बेसिस फॉर द रेडियोग्राफी। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि रेडियोग्राफी, दैट मीन्स कि आपने कोई भी स्कैन जो कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हो रहा है उसको रेडियोग्राफी कहते हैं। कोई भी इमेज जो कि रेस से प्रोड्यूस किया जा रहा है, ग्राफी का क्या मतलब होता है, इमेज प्रोड्यूस करना कोई भी। ठीक है, तो रेडियोग्राफी दैट इज प्रोड्यूस विथ एक्सरेज, रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी रेज। ठीक है, तो रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजीज जो कि कौन है, आप लोग हु डील्स विद स्पेसिफिकली एक्सरेज इमेजिंग आर द रेडियोग्राफर्स। ठीक है, अब जो फोटोग्राफर्स, आपने देखा ना फोटोग्राफर्स को हम फोटोग्राफर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज उन्होंने एक फोटो लेनी होती है। तो आप क्या हो, आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इमेजेस आपने क्रिएट करने होते हैं, यू आर रेडियोग्राफर्स। इफ यू आर वर्किंग इन सोनोलॉजी, सोनोग्राफर्स होगी आप। ठीक है, अगर आप लोग अल्ट्रासाउंड में काम कर रहे हो तो यू आर सोनोग्राफर्स। ठीक है, सोनोग्राफर्स, आप इंटरनेशनली कहीं पर भी जॉब करने जाओगे कहीं पर भी, तो आप इस जो है ना इस फर्क को प्लीज अपने जहन में बिठा लो, व्हाट आर सोनोग्राफर्स एंड सोनोलॉजिस्ट। सोनोग्राफर्स आप लोगों जो इमेज को क्रिएट करते हैं, ग्राफी बनाते हैं। ठीक है, और जो सोनोलॉजिस्ट होते हैं दे आर एम्बिबियस डॉक्टर्स। ठीक है, वो सोनोलॉजिस्ट है। इसी तरह रेडियोग्राफर्स क्या है, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इमेजेस को बनाएंगे, जो इमेज पे सारा काम करेंगे जो भी है वो क्या है, वो रेडियोग्राफर्स है। और जो डॉक्टर्स हैं वो क्या है, वो रेडियोलॉजिस्ट है। ठीक है, जो एम्बिबियस। ठीक है, ये फर्क आपको पता चल गया। इस लाइन का ये मतलब है कि आप लोग जो रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, दे आर वर्किंग इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, उन्होंने किसके साथ खेलना है, उन्होंने एक्सरेज के साथ खेलना है, उनकी प्रोडक्शन क्या करनी है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल इन परफॉर्मिंग एग्जामिनेशन। क्या क्या एग्जामिनेशन वो परफॉर्म कर रहे हैं, किस किस मोडेलिटी के ऊपर, आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट आर द रेडिएशन प्रोटेक्शन, उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं। आप क्योंकि आप लोग जो है ना, आप लोग डिपार्टमेंट में जाओगे, आप लोग वहां देखोगे, वहां पे आपको टेक्नीशियंस भी मिलेंगे। तो यू आर नॉट टेक्नीशियंस, यू आर नॉट डॉक्टर्स, यू आर टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, दे आर इन बिटवीन टेक्नीशियंस एंड रेडियोलॉजिस्ट।
इसमें क्या होता है, जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं होता, उन्होंने कोई एनाटॉमी नहीं पढ़ी होती, उन्होंने कोई फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी, उनको कोई मेडिकल की चीजों का नहीं पता होता, उनको रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में नहीं पता. उन्होंने क्या करना है, एक बटन दबाना और एक इमेज बता देना. लेकिन आप वो लोग हो जिनको इन चीजों के बारे में पढ़ा है, आपने प्रॉपर डिग्री ली है रेडियोलॉजी की, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए. सो रेडिएशन प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट. रेडिएशन प्रोटेक्शन आपने फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट एंड मेडिकल पर्सनल, जो कि आप खुद हो, आप जो काम वहां पे कर रहे हो अपनी प्रोटेक्शन भी करनी है, और जो पेशेंट आ रहा है आपके पास उसके लिए क्या प्रोटेक्शन जरूरी है, कितनी हद तक हम जो है उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि उसका एग्जाम जो हम कर रहे हैं वो भी प्रॉपर एक अच्छे तरीके से, एक अच्छा इमेज हमारे पास बन जाए और उसको हम रेडिएशन भी कम से कम लें. ठीक है. द फिजिक्स ऑफ रेडियोग्राफी डील्स विद द प्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ एक्सरेज. ठीक है. तो रेडियोग्राफी इज अ करियर चॉइस विद अ ग्रेट एंड डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज, सो वेलकम टू द फील्ड ऑफ मेडिकल इमेजिंग. तो इससे हम स्टार्ट करेंगे. दैट मींस कि जो रेडियोग्राफी है, रेडियोलॉजी है, वेरी वास्ट सब्जेक्ट है. इसके आगे जाते जाओगे अब तो रेडिएशन के अंदर इतनी ज्यादा रिसर्चेज आ चुकी हुई है कि बाय यूजिंग रेडिएशन हम लोग कैसे कैसे इमेज क्रिएट कर रहे हैं, कौन कौन से डायग्नोस्टिक. अब तो मैंने रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ी थी जिसके अंदर एक ऐसी मॉडलिटी आ गई है कि पेशेंट को हम दीवार है एक. ठीक है. ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं. जो टेक्नोलॉजी आप टेक्नोलॉजीज का वर्ड इसलिए ना यूज करो कि यू आर टेक्नीशियन. आपके साथ जो टेक्नोलॉजीज का वर्ड इसलिए यूज होता है बिकॉज यू आर डीलिंग विद द टेक्नोलॉजीज. ठीक है. जो आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, डे बाय डे रेडियोलॉजी के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है. अब मैं बता रही थी कि एक दीवार है, उसके पीछे आप पेशेंट को खड़ा करोगे और उसके सामने आपको पूरा का पूरा पेशेंट कलर में नजर आएगा. वो कलर हमारे पास डिफरेंट पैथोलॉजीज का बता सकता है, नॉर्मल कौन सा कलर दिखा रही है पैथोलॉजीज. ये क्या है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना बाय यूजिंग द रेडिएशन. बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है आपकी, आपको रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए. बहुत जबरदस्त डाइवर्स फील्ड है. तो इंटरेक्शन क्या है रेडियोलॉजी के अंदर, किसके साथ सारी जो चीजें हैं वो हम लोग सॉरी एग्जाम है वो किससे, क्या सोर्स है, वो एक्सरेज है. ठीक है. तो रेडियोलॉजी के अंदर जो सोर्स है वो एक्सरेज है, इसको याद रखना. और जो हम अल्ट्रासाउंड के अंदर सोर्स यूज कर रहे थे दे आर साउंड वेव्स. ठीक है. ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी बेसिक्स. ठीक है. अब आ जाओ हमारे पास क्या है हमारे नेचर ऑफ सराउंडिंग. ये चीजें हमने पढ़ी हुई है, रिवाइज करने की जरूरत है सिर्फ. मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट, ये हम लोगों ने एफएससी में पढ़ा हुआ. व्हाट इज मैटर. मास क्या होता है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है ग्रेविटी. जो भी हमारे पास वेट है जो इन्फ्लुएंस करता है अंडर द ग्रेविटी, वो हमारे पास एक मास है. ठीक है. कोई भी मास होगा उसको हम, ये फिजिक्स आपने पढ़ी हुई है. देन एटम. एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ये हम लोग इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि हमने आगे जाके जब प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज पढ़ना है ना, तो उनको आप पता होना चाहिए कि एक एटम है तो एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. क्यों, क्योंकि जब रेज हमारे पास किसी एटम के साथ इंटरेक्ट करेंगी देन हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे. वो कैसे होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको ये बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए, तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होती है. ठीक है. तो ये सिर्फ रिवाइज करना. व्हाट आर एटम, स्मॉलेस्ट एटम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. और ये जो है हमारे पास इसके अंदर क्या क्या होता है, ये न्यूक्लियस है सेंटर में. ठीक है. प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एटम के अराउंड मूव कर रहे होते हैं, चार्जेस होते हैं इनके ऊपर. एक एटम जो है वो स्टेबल फॉर्म के अंदर न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. जब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है या आता है, ऐड होता है या निकलता है, तभी उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है ना. ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ. ठीक है. तो एफएससी में सिर्फ वही चीजें जो है ना वो थोड़ी सी रिवाइज हो रही है. क्यों, क्योंकि आगे जाके जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन एक निकला है तो उसके ऊपर एक चार्ज आ गया. ठीक है. तो चार्ज आने की वजह से वो आयन बन गया. ये पता है ना आपको, जब भी कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होता है या एड ऑन होता है या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है, वैसे वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है. इनको निकलने की वजह से वो आयनाइज हो जाता है. ठीक है. तो बेसिकली ये मकसद है आयनाइजेशन का, कि व्हाट इज आयनाइजेशन. आयनाइजेशन इज द रिमूवल और एडिशन ऑफ अ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम. अभी तक कोई बात क्लियर ना हुई हो तो मुझसे पूछो, क्योंकि ये बेसिक्स है. आपको बेसिक्स वगैरह अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, फिर हम आगे चलेंगे. ठीक है. अच्छा,
अभी तक ये हमने पढ़ लिया कि एटम क्या होता है, मैटर क्या होता है. पहली स्लाइड तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू देना था रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको किस तरह इंटरेक्ट करना है, व्हाट यू आर, आपको क्या कहलाया जाता है, ठीक है. फिर उसके बाद हमने सराउंडिंग को अपना बता दिया कि मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, एटम के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. एक नॉर्मल स्टेबल एटम जो है उसके ऊपर कौन सा जो है वो जो है पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, नहीं वो न्यूट्रल होता है. जब उसके अंदर से कोई रिमूवल होता है या एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, देन वो आयनाइज हो जाता है. आयनाइज क्या होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, ठीक है. तो अगर हम लोग इससे बात करें कि क्या इनको रिमूव करता है, तो एक्सरे जब भी किसी एटम के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है. ये देख लो इस इमेज के अंदर एक्स रेज आ रही हैं एटम के जो नेगेटिव चार्ज हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला आया है एक्स रेज, इसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, इसके ऊपर चार्ज आ गया है, ठीक है. तो ये कौन सी रेज होगी, दीज आर द आयोनाइजिंग रेडिएशन जो क्या कर रही है, हमारे आयंस प्रोड्यूस कर रही है, जो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही है. उस निकालने की वजह से इस एटम के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आता है जब उसके अंदर कोई ऐड हो जाता है, ठीक है. और ये हमारे पास फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री में आप लोगों ने शेल्स पढ़े होंगे कि जो हमारा सबसे नियरेस्ट शेल होता है, सबसे करीबी न्यूक्लियस का शेल होता है, वो के शेल होता है. उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी कितनी होती है, 2, ठीक है. ये सिंपल याद करने वाली चीज है. एल में कितने होते हैं, 8, देन एम एन ओ पी क्यू, ठीक है. इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी वो ये है 2, 8, 18, 32, 50 और 72, 90, ठीक है. तो आयनाइजिंग रेडिएशन कौन सी हो गई है, आयनाइजिंग रेडिएशन वो होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल एंड एडिशन ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम. दैट मीन्स कि आयनाइजिंग रेडिएशन बहुत ज्यादा हार्मफुल है. इसीलिए तो हम रेडिएशन प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं. क्यों, कि जब एक पेशेंट के साथ एक्सरेज इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक्सरेज क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं. आपकी बॉडी के अंदर एटम्स हैं, आपकी बॉडी के साथ जो है वो रेज ने आके आपके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिए, वो आयंस प्रोड्यूस कर दिए, वो आयोनाइजिंग रेडिएशन आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है. तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, वो अपने फॉलो करने होते हैं, ठीक है. वो आगे जाकर मैं बताती हूँ व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स फॉर द रेडिएशन प्रोटेक्शन, ठीक है. फिर आज अगली स्लाइड ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं. व्हाट आर द सेंट्रीपिटल फोर्सेस, द फोर्सेस दैट कीप्स एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उनको उस जगह पे रखने के लिए हमारे पास एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो कि क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक. सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, ये फिजिक्स है केमिस्ट्री है जो कि आप पढ़ चुके हुए. इसमें कोई भी चीज मुश्किल हो, पूछने वाली हो, मुझसे पूछो, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है. फिर हमारे पास क्या है, एक्सरेज, जिस तरह मैंने बताया है, कोई भी आपके पास रेज या वेव्स दोनों, जिस तरह वो क्या करता है, वो कैरी करता है एनर्जी. एनर्जी हमारे पास क्या होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज होती हैं, ये हमने भी पढ़ी हुई है. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, जो के वर्क बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजिशन. पी से याद रखो, ठीक है, पोजिशन से पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ द मोशन. केमिकल एनर्जी, रिलीज बाय द केमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिप्रेजेंट्स द वर्क दैट कैन बी डन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. थर्मल एनर्जी कौन सी होती है, द एनर्जी ऑफ द मोशन एट मॉलिक्यूलर लेवल. और न्यूक्लियर एनर्जी दैट कंटेन विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. सिंपल सिंपल डेफिनेशन या एनर्जी क्या होती है और कौन कौन सी एनर्जी हम लोग जो है वो यूज करते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप समझो, क्योंकि अपने सारी एक्सरेज जो है ना वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ही है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड और इमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव्स दैट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस. दैट मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है. तो वो जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं, जो कि हमारे रेडियोलॉजी के अंदर ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा. और इनकी क्या टाइप्स हो सकती है, एक्सरेज की, और एक्सरेज के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कौन कौन सी है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रावायलेट, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट. दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये सारी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है,
ठीक है, जो कि हमारे पास इमिट होती हैं या रिफ्लेक्ट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब एक्सरेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास आपने देखा होगा एक ट्यूब, जो एक मशीन एक्सरे ट्यूब की लगी होती है, पीछे से करंट आता है, करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो मूव होने की वजह से हमारे पास एक सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज मैग्नेटिक वेव्स, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, वो कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज है, नंबर वन एक्सरेज, जो कि हमारी रेडियोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, जो कि बार बार मैं आपसे पूछूंगी क्या एक्सरेज कौन सी फॉर्म है रेडिएशन की, तो आपने बताना है एक्सरेज आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्यों है, बिकॉज उसके कैसे प्रोड्यूस होती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और वो हमारे पास एक्सरेज है। ठीक है, और अदर एग्जांपल्स अगर पूछूं तो व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या रेडिएशंस, तो आपने बताना है अदर देन एक्सरेज हमारे पास क्या है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सारी विजिबल लाइट, ये सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की टाइप्स है। ये स्लाइड मैं आपको पहले बता चुकी हुई हूँ कि हमने साउंड वेव्स के अंदर वेव्स का वर्ड यूज किया था, क्योंकि वो साउंड है, वेव्स है। ठीक है, इधर हम यूज कर रहे हैं रेज, क्योंकि इसके अंदर रेडिएशन है। ठीक है, रेज है वो, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का हम बता देते हैं। वेव इज एक्चुअल डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम, हमें उसके लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और वो क्या होता है, वेव्स डिस्टर्ब हो रही होती है। आपने वाटर के अंदर भी वेव्स देखी होंगी, ठीक है, वो कैसे फ्रिक्वेंसी के अंदर टफ एंड क्रस्ट बना रही होती है, इसी तरह जो साउंड वेव है उसके अंदर भी टफ एंड क्रस्ट बन रहा है, वेव लेंथ बन रही होती है, वो पड़ी हुई है ना हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड के अंदर, कैसे उसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम एंड इट ट्रांसमिट्स एनर्जी थ्रू द मीडियम, ये क्या है वेव, और रेज क्या है, रेज इज अ नैरो बीम ऑफ लाइट व्हिच आर यूज्ड टू मॉडल द प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल सिस्टम। इस इमेज को देखो तो ये स्ट्रेट जो लाइन जा रही है ना, ये क्या है, रेज है, और वेव क्या है, ये डिस्टर्ब कर देती है मीडियम को आगे ट्रेवल जो भी कर रहा हो, जैसा हम वेव्स अल्ट्रासाउंड के अंदर यूज करते थे, उसमें क्या होता था, आगे हमारे पास कोई भी बॉडी उसका उसकी डेंसिटी अकॉर्डिंग टू वो उस तरह रिफ्लेक्ट होता था, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसमिट हो जाता, कोई सॉलिड चीज आगे आ जाती थी तो वो उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास इमेज आता था, कोई हमारे पास लिक्विड चीज आ जाती थी तो उसके अंदर से साउंड वेव्स गुजर जाती थी सारी, ठीक है, ट्रांसमिट हो जाती थी, कोई एकोज वापस नहीं आती थी। ठीक है, तो कोई जो सेमी सॉलिड सा स्ट्रक्चर होता था उसके अंदर कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी, कुछ जो है वो ट्रांसमिट हो जाती थी, इस तरह का इमेज वो प्रोड्यूस करते थे। तो हमारे पास जो आगे मीडियम है उसको वो डिस्टर्ब कर देते, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये वेव है, इसको यहाँ पे डिस्टर्ब करके इस तरह का बना दिया। ठीक है, तो वेव जो है वो इस तरह हमारे पास डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है मीडियम के अंदर, बट रेज क्या है, दे कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम बट उनके लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं करती, वो सीधा कहीं आप देख रहे होंगे कि आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जब काम करते हो ना, तो जो एक्सरेज वाला रूम होता है ना उसको हमें प्रॉपर डिजाइन करवाया जाता है, उनकी दीवारों के अंदर लेड लगी होती है, दैट मींस कि रेज जो है वो उन दीवारों के अंदर से भी ना गुजरे, उसके लिए स्पेशल कोई चीज चाहिए होती है जिस जो हमारी एक्सरेज को स्टॉप कर सके ताकि आगे ना जा सके। दैट मीन्स जब आप रेडियोलॉजी में जाओगे बाहर लिखा होता है कि भाई ये कमरा बंद है, अंदर एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, रेडिएशन होती है वहां पे, ठीक है, इसके अलावा साथ वाले रूम में कोई और स्कैन हो रहा है तो पता चले वहां से रेडिएशन जो है वो दीवारों से दूसरे रूम में जा रही है। ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल रखना होता है कि हम लोगों के लिए रेडिएशन प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिफरेंस आपको पता चल गया वेव्स वर्सेस रेज। अच्छा, जस्ट एज अ मैटर कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन साइज शेप एंड फॉर्म टू अनदर, इसी तरह एनर्जी जो है वो एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे पास, जो कि एक्सरेज के अंदर हमने बताया है कि वो प्रोड्यूस होती है क्योंकि करंट है पीछे से, जब हम एक्सरे मशीन को ऑन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द एक्सरे सिस्टम एंड यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ, कैसे हमारे पास जो एक्सरे ट्यूब है जब हम उसको ऑन करते हैं, ठीक है, हमारे पास सिस्टम ऑन होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करना,
जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इंटरैक्ट वो करेंगे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो कि क्या है, एक्सरेज, व्हिच देन इज कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी इन द रेडियोग्राफिक फील्ड और एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन अ डिजिटल इमेज रिसेप्टर। इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक हमने कन्वर्जन बेसिकली हम पढ़ रहे हैं ना, कन्वर्जन के पहले जिस तरह मैटर एक साइज शेप में दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, इसी तरह एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। तो हमारे एक्सरेज के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, मैं किसी से भी पूछूं बताओ एक्सरेज के अंदर हमारे पास एनर्जी कैसे ट्रांसफर्ड होती है एक टाइप से दूसरी टाइप में, ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगी? तो आपने बताना है मुझे कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल और डिजिटल, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, इज द कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब केमिकल के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, पहले जमाने में हमारे पास जो है ना फिल्म यूज होती थी जो कि डेवलप की जाती थी, ठीक है, जिस तरह हमारे आपने आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों के पहले जमाने में कैमराज होते थे, दूसरे वो कैमराज याद है जो जिससे पिक्चर लेते थे, नेगेटिव होता था तो उसको डेवलप करवाते होते थे, ठीक है, वो वाले कैमराज होते थे, ठीक। फिर उसके बाद उसी तरह हमारे पास एक्सरेज भी जो थे ना वो डेवलप होते थे, मतलब हमारे पास जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुए फिल्म जो है ना जिसके ऊपर इमेज आया जिसके ऊपर तस्वीर बनी है एक्सरे की, वो हमारे पास केमिकल्स लगा लगा के उसको हम लोग इमेज उसका बनाते होते थे, ये पहले जमाने में इसी तरह सारा यूज होता था, तो वो केमिकल्स को यूज करते हुए उसको डेवलप करते थे ताकि इमेज हमारे पास प्रोड्यूस हो सके उस फिल्म के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब वो जो है वो खत्म हो गया, अब सारा डिजिटल जो है हमारे पास चीजें चल रही है, तो उसमें क्या है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हमारे पास फिल्म पहले यूज होती थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज है। अब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो एक्सरेज वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, डिजिटल इमेज रिसेप्टर्स। अब डिजिटल इमेज रिसेप्टर्स लगे होते हैं उसके ऊपर, डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है, हमारे साथ मॉनिटर लगा होता है, आप डिजिटली मॉनिटर के ऊपर ही साथ साथ इमेज देख लेते होते हो, अगर किसी पेशेंट को आपको इमेज चाहिए होता है वो फिल्म चाहिए होता है तो आप उसको प्रिंट करके दे देते हो, ये डिजिटल है, ठीक है। पहले जमाने में क्या होता था केमिकल एनर्जी यूज होती थी, तो आप लोगों को कन्वर्जन का पता होना चाहिए कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल और डिजिटल इमेज रिसेप्टर, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। देन आज जो हमारे पास ये कन्वर्जन हो गया, अब आपको आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दैट इज द मास एनर्जी, दैट मीन्स मैटर एंड एनर्जी एग्जिस्ट साइड बाय साइड। ये इक्वेशन आपने मास एनर्जी की फिर से फिजिक का थोड़ा सा आगे आगे पढ़ी होगी, E is equal to mc square. That means E is the energy, m is the mass and c is the velocity speed जो कि कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है क्या एनर्जी मास की, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंट सर्व एज द बेसिस फॉर द एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर पावर प्लांट, और जो हमारे पास यहाँ पे यूज होगी ना अपनी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में वो न्यूक्लियर मेडिसिन आप लोगों का एक सब्जेक्ट है उसके अंदर मास एनर्जी जो है वो यूज होगी, ठीक है। जब आप न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ोगे, वैसे तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और एटॉमिक बॉम्ब ये बड़े बड़े वहां पे यूज हो रही होती है, उसमें जो एनर्जी यूज होती है दैट इज द मास एनर्जी, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो जो हमारी मेडिकल इमेजिंग मोडेलिटी के अंदर यूज हो रहा है वो क्या न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर, वो जब हम न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ेंगे आप लोगों का सब्जेक्ट होगा उधर जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहिए कि हमारे जो इंटरेस्ट की मोडेलिटी है जिसके अंदर मास एनर्जी यूज हो रही है इज द न्यूक्लियर मेडिसिन, ओके। देन रेडिएशन क्या है, मैं बार बार रेडिएशन का वर्ड यूज कर रही हूँ, ये रेडिएशन रेज आ रही है, रेडिएशन क्या है, तो रेडिएशन की एक डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए। तो अभी तक हम पढ़े एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करते हैं, इमेज जो है वो एनर्जी से ट्रांसफर होती है, वो जो है वो इमिट होती है ट्रांसफर्ड होती है स्पेस में से गुजर रही है, तो दिस इज रेडिएशन। जो भी रेज हमारी स्पेस में से गुजर रही हैं इमिट हो रही हैं ट्रांसफर्ड हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एक एनर्जी लेके जा रही है, दिस इज रेडिएशन। हम ये वर्ड बार बार सुनेंगे व्हाट इज रेडिएशन, ये रेडिएशन है, यहाँ पे रेडिएशन है, इधर मत जाओ, इस रूम में रेडिएशन यूज हो रही है, वहां पे क्या है रेज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस इज यूजुअली रेफर्ड टू एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और सिंपल रेडिएशन, ठीक है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रेडिएशन है, अब जिसको रेडिएशन दे रहे हैं हम पेशेंट को उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम कहते हैं द पेशेंट इज एक्सपोज्ड, मतलब कि वो रेडिएशन से एक्सपोज हुआ है, और इरेडिएटेड, ये दो वर्ड्स हैं जो कि हम लोग किस वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, या एक्सपोज जिसको रेडिएशन मिल चुकी है जो एक्सपोज हुआ है रेडिएशन में, या इरेडिएटेड, ठीक है। ड्यूरिंग अ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन द पेशेंट इज एक्सपोज टू एक्सरेज, अब ये देखो अब एक्सपोज का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है दैट मीन्स उसने एब्जॉर्ब की है एक्सरेज, द पेशेंट इज सेड टू बी इरेडिएटेड, समझ आ गई इस चीज की,
रेडिएशन क्या है? रेडिएशन रेज है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट इज ट्रांसफर टू स्पेस, ठीक है, रेडिएशन. और जो ये एब्जॉर्ब रेडिएशन कर रहा है इज सेट टू बी एक्सपोज्ड. और जो हमारे पास क्या कहते हैं, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हम कहते हैं द पेशेंट इज एक्सपोज टू द एक्सरेज एंड द पेशेंट इज सेट टू बी इरेडिएटेड, उसको रेडिएशन मिल चुकी है. आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है, मैं पहले डिफाइन कर चुकी हूँ. क्या जो रेज हमारे एटम के अंदर आयंस प्रोड्यूस करेंगे वो रेडिएशन हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशन कहलाती है. इस पिक्चर को देखो, ये हमारे पास रे आ रही है, उसने क्या किया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है. ये देख रहे हो नेगेटिव आयन, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को मूव करने की वजह से इसके अंदर चार्ज क्रिएट हो गया. इस चार्ज की वजह से ये आयनाइज हो गया है. तो इस रेडिएशन को क्या कहेंगे, द रेडिएशन दैट इज आयोनाइजिंग द एटम इज नोन एज आयोनाइजिंग रेडिएशन. ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लो. आयोनाइजिंग रेडिएशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडिएशन दैट इंक्लूड एक्सरेज. ठीक है, ये एक्सरेज ही है आयोनाइजिंग रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो ये प्रोड्यूस करती है. आयोनाइजिंग रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन दैट इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हो. दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर इज कॉल्ड आयनाइजेशन. ठीक है, जो भी हमारे पास रेज एटम क्या है, मैटर क्या है, मैटर के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर से जब उसको आयनाइज कर देगा वो रेडिएशन हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशन कहलाती है, जो कि हमारे एक्सरेज हैं हमारी रेडियोलॉजी के अंदर. ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन यूज हो रही है. ठीक है, आयनाइजेशन में अगर पूछूं तो देयर इज द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम. अच्छा, मैं एक वाइवा क्वेश्चन है आपसे पूछती हूँ कि एक एग्जांपल दो आयनाइजिंग रेडिएशन की, एक एग्जांपल दो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की. तो क्या दोगे एग्जांपल? आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है? एक्सरेज जो कि आयनाइज कर रही है. नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है हमारे पास, हमारी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट या एमआई के स्टूडेंट्स? और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन सी है जो आयनाइज नहीं कर रही है लेकिन हमारे पास सोर्स है? एमआरआई. इसके अलावा अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड, वेरी गुड. ठीक है, ये दो हमारे पास जो, और तीसरी हमारे पास एको, वो भी अल्ट्रासाउंड भी होती है लेकिन हमारे पास सोर्स क्या है, वही साउंड वेव्स है. तो एको कार्डियोग्राफी, हमारे पास साउंड वेव जो कि अल्ट्रासाउंड में यूज हो रही है, एंड एमआरआई जहां पे हमारे पास सोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. ये हमारे पास नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है. और आयनाइजिंग रेडिएशन कौन सी है? एक्सरेज. और एक्सरेज कहाँ कहाँ यूज हो रही है, क्या सोर्स है उसकी, कौन कौन सी मोडालिटी के अंदर सोर्स एक्सरेज है? CT scan, fluoroscopy. Yes. Simple X-rays. ठीक है, start करो simple X-rays, फिर mammography, फिर fluoroscopy, फिर CT scan. ठीक है, इन सारी जो हमारे पास modalities हैं, इसके अंदर source क्या है? X-rays. ठीक है, these are ionizing radiations. तो आयनाइजिंग रेडिएशंस की हमारे पास क्या टाइप्स आ गए? दस. एनी टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज कैपेबल ऑफ आयनाइजिंग मैटर इज नोन एज आयनाइजिंग रेडिएशन. फिर से डेफिनेशन आ गई है. एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट लाइट, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं दैट कैन आयोनाइज. ठीक है, तो गामा रेज हमारे पास कहाँ यूज होती है, किसी को आइडिया है? जैसे आपने शायद ना पढ़ा हो ये सब अभी मोडालिटी, गामा रेज जो है वो उसके अंदर उसकी जो सोर्स है ना उस मोडालिटी की, वो गामा रेज है. किसी को वैसे ही फॉर नॉलेज, किसी को है नॉलेज? नहीं. ये न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर जो डिपार्टमेंट है ना हमारा, न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर जो ऑनकोलॉजी, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम कैंसर स्कैनिंग के लिए जो, जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं. बिल्कुल ठीक है. ठीक है, उसके अंदर हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज करते हुए हम इमेज करते हैं, क्रिएट करते हैं. उसमें क्या होता है, पेशेंट को एक हम आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं और पेशेंट के अंदर से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाती है. वो कौन सी रेडिएशन होती है? वो गामा रेज होती है. वो गामा रेज हमारे पास गामा कैमरा कैप्चर करता है. ठीक है, और उससे इमेज बन जाता है. तो ये हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर ये गामा रेज यूज होती है. ठीक है, तो ये फॉर जस्ट फॉर द नॉलेज. ये आप इंशाल्लाह जब आगे न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ोगे कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे हम इंजेक्ट करते हैं, वो पूरा जो है ना उसमें पता होना चाहिए. बट ये सारी चीजें बेसिक्स में बता रही हूँ आपको, रेडियोलॉजी की बेसिक्स पता होनी चाहिए. सारी जितनी मोडालिटीज आप जब जाओगे आपको पता होंगी, एक्सरेज में क्या, एक्सरे क्या है, मेमोग्राफी क्या है, फ्लोरो क्या है, सीटी क्या है, इसके अंदर सोर्स क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है. ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास एक्सरेज होगी, गामा रेज होगी और अल्ट्रावायलेट लाइट होगी. ये तीनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो फॉर्म है जो कि आयनाइज करती है.
ठीक है, बॉडी के अंदर आना ये खतरनाक होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि आयनाइज कर रही है। हमारे पास नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन दे आर नॉट हार्मफुल, साउंड वेव्स हो गई, MRI के अंदर वो स्कैन हो गया, ठीक है, दे आर नॉट हार्मफुल। जो हमारे पास स्कैन के अंदर आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही है दे आर हार्मफुल फॉर योर बॉडी, ठीक है। सम फास्ट मूविंग पार्टिकल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ आयनाइजेशन, वो तो रेस थी जो कि हमारे आयनाइज कर रही है। कुछ हमारे पास फास्ट मूविंग पार्टिकल्स भी हैं जो कि क्या करते हैं, आयनाइज कर देते हैं। उनकी क्या एग्जाम्पल है, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, ये भी हमारे यूज होते हैं किसके अंदर, हमारी स्कैनिंग के अंदर यूज होते हैं, भी मैं बताऊंगी किस तरह यूज होते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ द पार्टिकल्स टाइप आयनाइजिंग रेडिएशन आर अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। देन अगेन क्वेश्चन आ गया हमारा, साथ साथ मैं आप लोगों को इसलिए बताती रहती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोगों ने इस चीज को उस तरह पढ़ना होता है, ठीक है। तो कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दैट कैन आयनाइज, तो एक्स रेज, गैमा रेज एंड अल्ट्रावायलेट लाइट्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन आयनाइज, ठीक है। ये तो हो गई रेज, अब कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं दैट कैन आयनाइज, बीटा एंड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। और वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, दे आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जो कि इतने कैपेबल होते हैं, वो फास्ट मूविंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देते हैं, वहां से एटम से निकाल देते हैं, ठीक है, अपनी मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो वो भी आयनाइज कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम से निकल गया तो आयनाइजेशन हो गई है, ठीक। तो पार्टिकल्स अगर मैं पूछूं कौन कौन से हैं जो कि आयनाइज कर रहे हैं, दे आर अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूछूं तो आपने बताना है कि एक्सरेज, गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट लाइट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। देन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, ठीक। अभी मैंने बताया कि गामा रेज जहां पे यूज होती है ना न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, हम पेशेंट को ना एक आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं, ठीक, उस पेशेंट के अंदर से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाती है गामा रेज के फॉर्म में, वो हमारे पास गामा कैमरा कैप्चर करता है। तो जो रेडियो एक्टिविटी इज इमिशन ऑफ द पार्टिकल एंड एनर्जी इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, ठीक है, हमने उनको दिया पेशेंट को और उसके अंदर से क्या निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है जस्ट टू स्टेबलाइज देमसेल्फ, वो अपने आप को फिर स्टेबल करेंगे ना एनर्जी रिलीज करने की वजह से, कुछ भी जो हमने उसको दिया, तो वो जब स्टेबल करते हैं तो वो निकलती है रेडिएशन, ठीक है। तो वो इमिशन ऑफ रेडिएशन या इमिशन ऑफ एनर्जी जो कि हमारे पास वो है, वो क्या हमें कहलाती है, वो रेडियो एक्टिविटी है। ये भी न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर रेडियो एक्टिविटी का वर्ड आप यूज करोगे, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड यूजुअली गामा रेज, ठीक है। और गामा रेज हमारे पास फिर गामा कैमरा के ऊपर कैप्चर हो जाती है, दैट मीन जब भी वो डिके होता है, जब भी वो अपने आप को स्टेबल करता है, उसके अंदर से रेडिएशन इमिट होती है, रेडिएशन इमिट होने की वजह से वो हमारे पास वो स्टेबल हो रहा है ना, अपने आप को स्टेबल कर रहा है कुछ ना कुछ निकाल के, तो वो क्या निकाल सकता है, इमिशन कर सकता है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा रेज, ठीक हो गया। तो दिस इज रेडियो एक्टिविटी जिसके अंदर से इमिशन हो रही है। तो ये आगे एग्जांपल, इसमें आपको ये दोनों पता होना चाहिए, दो पार्टिकल्स हैं जो कि ये आयनाइजिंग रेडिएशन ही हैं, जो मैंने पीछे आपको डिफाइन किया है वो आप इस टेबल में देख लो। अल्फा और बीटा हमारे पास पार्टिकल है जो कि आयनाइजेशन, ये पता होनी चाहिए, व्हाट आर द टाइप ऑफ रेडिएशन दैट कैन आयनाइज, जो पार्टिकुलेट आपसे पूछ रही है, और उनका ओरिजिन क्या है, न्यूक्लियस से ओरिजिन होता है उनका, ठीक है। गामा रेज भी ओरिजिन का है न्यूक्लियस से, लेकिन एक्सरेज वाहिद है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड से उसकी ओरिजिन है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकालेगा और वो वहां से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो एक्सरेज की ओरिजिन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बाकी सब न्यूक्लियस के अंदर से ये रेज निकलती है, ठीक है। किन किन की, अल्फा बीटा और गामा रेज, ठीक है। तो एक्सरेज एंड गामा रेज आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयनाइजिंग रेडिएशन। देखो हर स्लाइड के अंदर वही बात बार बार यूज हो रही है, क्योंकि आगे आप पूरी रेडियोलॉजी के अंदर ये चीजें पढ़ोगे, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाट आर आयनाइजिंग रेडिएशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, उनकी ओरिजिन क्या है, दे आर originated from the nucleus. X-rays की क्या origin है? They are originated from the electron cloud. Okay? फिर आगे types of ionizing radiation, वही चीज बार-बार. The type of radiation used in diagnostic ultrasonography and magnetic resonance imaging are non-ionizing radiation. हमारे पास एक ionizing radiation है, एक हमारे पास non-ionizing radiation है. Non-ionizing अभी मैं पूछ चुकी हूँ question, ultrasound के अंदर और MRI के अंदर जो use हो रही है वो हमारे पास non-ionizing radiation, वो ionize नहीं करती, they are not much harmful, ठीक है। Alpha particles क्या होते हैं, is a helium nucleus that contains two protons and two neutrons, definition है। Beta particle is a electron emitted from a nucleus of a radioactive metal, okay। A
अच्छा, अब ये आपका ना थोड़ा सा असाइनमेंट कह लो या थोड़ी सी आप लोगों ने घर जाके थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे हुए थे, किसने प्रोड्यूस किए थे? रोंजन था जिसकी जिसके नाम पे भी हम लोग कहते होते हैं, पहले एक्सरेज जो थे वो इसके नाम पे रखे गए थे। रोंजन ने 1895 के अंदर जो है वो एक्सरेज को डिस्कवर्ड किया था, डेवलप नहीं हुए थे एक्सरेज। डिस्कवर्ड कैसे किया था, वो एक काम कर रहा था अपनी लैब के अंदर और एक्सीडेंटली जो है वो उसको कोई ऐसी चीज मिल गई, वो काम करते करते वो तो उसको एक इमेज मिल गया, एक रेडिएशन की वजह से उसने एकदम देखा हो इमेज बन गया, किस चीज से बना, उसने थोड़ी सी रिसर्च की। दैट मीन्स के उसको जो एक्सरेज थे वो डिस्कवर्ड हुए थे कोई एक्सीडेंटली, ठीक है, वो कोई और काम कर रहा था, ठीक है। आपने जो चीज याद रखने वाली है वो क्या है, लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट है कि वो किस तरह डेवलप हुए थे, वो आप जाके नेट पे थोड़ा सा सर्च करना कि रोंजन को जो है वो एक्सरेज कैसे उसने डिस्कवर किया था एक्सीडेंटली, क्या वो काम कर रहा था अपनी लैब के अंदर, ठीक है। बट हमारे हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, किसने डिस्कवर किया था? रोंजन, ठीक है, विलियम रोंजन था जो कि जिसने ये डिस्कवर किया था। कब किया था? 1895 में, और एक्सीडेंटली वाइल टेस्टिंग वेदर कैथोड रेज वुड पास थ्रू द ग्लास, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसकी वजह से उसको एक्सरेज प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। ये आगे 1985 के अंदर वो कोई काम कर रहा था उसको। अब डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न रेडियोलॉजी पढ़ चुके हैं हम लोग के एक्सरेज कहाँ कहाँ यूज हो रही है, सिंपल रेडियोग्राफी जो एक्सरेज है, ठीक है, फ्लोरोस्कोपी, देन मैमोग्राफी, देन सीटी। क्या क्या है इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। एक लाइन है सिर्फ, रेडियोग्राफी क्या है, जो कि हमारे पास एक इमेज प्रोड्यूस कर रही है, एक स्टैटिक इमेज है, तस्वीर खींच रही है, ठीक है, वो हमें एक इमेज स्टैटिक दे रही है, कोई एक फिल्म दे रही है। उसमें क्या है, यूजेस फिल्म और अ सॉलिड स्टेट इमेज रिसेप्टर, जो आगे रिसेप्टर यूज हो रहा है वो क्या है हमारे पास, सॉलिड स्टेट इमेज रिसेप्टर, एंड यूजुअली एन एक्स-रे ट्यूब माउंटेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑन अ ट्रैक दैट अलाउज टू बी moved in any direction, such examination provide the radiologist with fixed images. ये हमारे पास रेडियोग्राफी क्या है, एक static imaging है, हमारे पास image मिलता है, तस्वीर मिलती है, moving नहीं है, ठीक है। ये ऊपर एक्सरे ट्यूब लगी हुई है, ये क्या है, टेबल है जिसपे पेशेंट को हमने लिटाया होता है। कुछ एग्जामिनेशन हम लोग उसको लिटा के करते हैं, कुछ जिस तरह एक्सरे चेस्ट एक्सरे वगैरह होते हैं वो हम इस बक्की टेबल, इसको बक्की टेबल कहते हैं, ठीक है, बक्की है ये, तो इसके साथ पेशेंट को खड़ा करके हम चेस्ट एक्सरे वगैरह लेते हैं, कुछ एग्जामिनेशन खड़े करके, कुछ हम लिटा के करते हैं। ये एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, इधर से सोर्स आ रही है, एक्सरेज आते हैं, ये जिस तरह इस इमेज में देख रही हूँ येलो कलर के एक्सरेज आ रहे हैं, पेशेंट के अंदर गए हैं, और इधर नीचे पेशेंट के नीचे एक्सरे डिटेक्टर लगा होता है, ठीक है, जो फिल्म वगैरह होता है उसके ऊपर इमेज आके यहाँ पे बन जाता है, और हम उस इमेज को जाके रीड कर लेते होते हैं फिर और मॉनिटर के ऊपर, ठीक है, वो हम बाद में सारा कुछ पढ़ेंगे कैसे इमेज प्रोड्यूस होता है ये वो। तो रेडियोग्राफी जो है जिसके अंदर जो हम अब बेसिक चीजें पढ़नी है ना, एक्सरेज क्या होती है, एक्सरेज कहाँ कहाँ यूज होती है, रेडियोग्राफी जो कि क्या है, स्टैटिक इमेजिंग है। देन फ्लोरोस्कोपी, वो क्या है हमारे पास, डायनेमिक इमेजिंग, उसमें क्या है वो एक्सरेज की तरह इमेज आएगा हमारे पास, लेकिन मूव करता हुआ हमें स्क्रीन के ऊपर एक्सरेज, कुछ ऐसे हम लोगों ने एग्जामिनेशंस करनी होती है जिसमें हम लोगों को बार बार देखना होता है इमेज के, अब देखो डायग्राम चला गया, अब देखो क्या चला गया, लेकिन इमेज को एक्सरे की तरह प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो फ्लोरोस्कोपी वो प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हमें डायनामिक इमेजिंग दिखाते हैं, ओके। मैमोग्राफी क्या है, देन अगेन स्टैटिक इमेजिंग है, बट ब्रेस्ट लीजन्स के लिए, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट लीजन्स की जितनी भी हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन है वो हम लोग मैमोग्राफी के अंदर यूज करते हैं। मैमोग्राफी is to detect and diagnose breast cancer and to evaluate jitne bhi palpable masses hain ya non palpable masses, ye bhi iske andar source kya hai, x-rays hain, lekin low dose x-rays hote hain mammography ke andar, kyunki ek hi jo structure hai usme humne image karna hota hai, uske liye humne itni radiation nahi rakhni hoti, to mammography basically breast cancer ko evaluate karne ke liye x-rays ko use karte hue usko image। Then CT scan kya hai, then CT scan ke andar bhi kya use ho rahi hai, x-ray source hai aur iske andar detector array lagi hoti hai, वो जिस तरह नीचे वो फिल्म लगी हुई थी ना उसके अंदर, इसके अंदर डिफरेंट, क्योंकि इसका इमेज ज्यादा अच्छा बेहतर आता है, देखा होगा सिटी स्कैन के अंदर, ये पेशेंट लेटा हुआ है, ये इसकी जो गोल सी चीज होती है ना इसको कहते हैं गैंट्री, ठीक है। गैंट्री के अंदर एक्सरे ट्यूब लगी होती है इस जगह पे, और नीचे इस जगह पे लगे होते हैं मल्टीपल डिटेक्टर्स, एक्सरेज आ रहे हैं, घूमती होती है यूं, इधर घूमती जाती है, और जो हमारे पास इमेज जो प्रोड्यूस होता है ना वो हमारे पास स्लाइसिस में आ रहा होता है, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी हमारे पास, हर स्लाइस जो है वो थिन थिन स्लाइसिस दे रहा होता है पेशेंट की जो इमेजेस है, ठीक है। तो सिटी स्कैन के अंदर भी सोर्स कौन सा यूजर है, एक्सरेज। टू प्रोवाइड एन एक्सरे बीम दैट इज सैटिस्फैक्टरी फॉर इमेजिंग, यू मस्ट सप्लाई द एक्सरे ट्यूब विद हाई वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम एक्सरेज में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होता है, करंट पीछे से देंगे ना तो करंट क्या होता है, वोल्टेज होता है,
तो हम जब भी देंगे हम किसी को, मैं फॉर एग्जाम्पल कोई आप में से कोई काम कर रहा है, मैं कहूंगी चेस्ट एक्सरे करना है इतना केवी रख दो, ठीक है, किलो वोल्ट पीक जिसे कहते हैं, इतना केवी रखना है इस पेशेंट के लिए कि इसको इतना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वोल्टेज इतना जाएगा, तो इतने हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस होंगे और इतने टाइम के लिए। एक्सरे करंट्स आर मेजर्ड इन मिली एम्पियर सेकेंड्स जो होते हैं, ठीक है, वेयर एम्पियर इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैं जब भी आपसे कहूंगी, मैं किसी पेशेंट को, किसी आप में से स्टूडेंट को कह दूंगी चेस्ट एक्सरे करना है, उसका 70 केवी रख दो और इतना एमए रख दो, फिर हमारे पास एक अच्छा इमेज आ जाएगा। तो यू शुड नो कि केवी क्या है, वो हमारे पास वोल्टेज है, और एमए क्या है, वो हमारे पास करंट है, ठीक है। देन रेडिएशन प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है रेडिएशन प्रोटेक्शन, जो मैं बता रही थी, आप जब भी रेडिएशन में काम करोगे इस अलारा को आपने नहीं भूलना। आपने मेरा ख्याल है अब तो रोजे हैं, वैसे रोजों के बाद आपने सुबह दोपहर शाम ये याद करना, व्हाट इज अलारा, व्हाट इज अलारा, व्हाट इज अलारा, ठीक है। आपने सुबह नाश्ते के साथ एक अलारा ले लेना, ठीक है, लंच के साथ अलारा ले लेना, और रात के खाने के साथ अलारा ले लेना, इतना इसको याद करना है। बिकॉज आप रेडिएशन में काम कर रहे हो तो आपको अलारा का पता होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अलारा, इट इज द एब्रीविएशन ऑफ एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। ये मैं बार बार क्वेश्चन पूछूंगी रेडिएशन के अंदर, व्हाट इज अलारा। ये रेडिएशन प्रोटेक्शन के अंदर हम यूज करते हैं कि आपको, मैं आप कहीं पर भी रेडिएशन प्रोटेक्शन में काम, रेडिएशन में काम करोगे, आपको सब कहेंगे फॉलो अलारा, प्लीज फॉलो अलारा, प्लीज फॉलो अलारा। अलारा का क्या मतलब है, इतना हम लोगों ने रेडिएशन रेज यूज करनी है जिससे हम लोग एक रीजनेबल अचीवेबल इमेज को क्रिएट कर सके और रेडिएशन की प्रोटेक्शन भी हो सके, हमें इतनी पेशेंट को रेडिएशन भी नहीं देनी और एक अच्छा सा इमेज भी बन सके। समझ आ गई अलारा क्या है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, इतनी रेडिएशन देनी है, दैट इज रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो ये वाला जो अगला टेबल है ना, ये 10 जो है ना पॉइंट्स है, ये आपने रेडिएशन प्रोटेक्शन के अंदर याद करने हैं। एक तो रेडिएशन प्रोटेक्शन के अंदर अलारा को बहुत याद करना है, और एक आपने कार्डिनल प्रिंसिपल को। मैं पूछूं व्हाट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल, तो आपने बताना है कि ये भी रेडिएशन प्रोटेक्शन के अंदर यूज होता है। इसमें इसका क्या है, टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग, कम से कम टाइम, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा शील्डिंग हम रखेंगे तो हमारे पास जो है वो रेडिएशन को हम कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज कार्डिनल प्रिंसिपल, टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग, ठीक है, इसको फॉलो करेंगे। बाकी स्टेप्स आप देख लो क्या क्या है कि आपने वेयर करना है, कुछ हमारे पास एप्रन्स होते हैं, रेड एप्रन्स वगैरह, ये अपने रेडिएशन प्रोटेक्शन की ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। डिवाइसेस कौन से यूज होती हैं रेडिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ फिल्टर यूज हो रहे होते हैं हमारे उस रूम के अंदर, कुछ कॉलिमेशन यूज हो रही है, फिल्ट्रेशन, कॉलिमेशन, इंटेंसिफायर स्क्रीन, प्रोटेक्टिव एप्रल जो भी हमने पहने होते हैं, जो कि फिर उसके बाद शील्डिंग के लिए कुछ हमारे पास और डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ थायराइड के लिए यूज करते हैं, कुछ गुनाइड्स के लिए यूज करते हैं, प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं, क्या लेड शील्ड लगी होती है उसके पीछे खड़े होकर हमने जो है ना बनाना होता है। अब तो दीवारें बनी हुई हैं इतनी लाइट की, अब तो बहुत टेक्नोलॉजी अच्छी एडवांस हो गई, पहले जमाने में ये सब चीजें नहीं होती होती थी। तो ये सारे डिवाइसेज हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन की, मतलब इनसे हम रेडिएशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन, कॉलिमेशन, ये सब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे ना मशीन की चीजें तो आपको फिर बताऊंगी कि फिल्ट्रेशन कहाँ यूज होता है, कॉलिमेशन कहाँ यूज होता है। ये यूनिट्स है, ठीक है, आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए। एक्सपोजर क्या था, पीछे मैंने पढ़ा था किसी के जहन में रह गई होगा, एक्सपोज Exposed के आप कितनी absorb हुई हैं X-rays? ठीक है, very good. आपके अंदर कितनी absorb हुई है? Exposed मतलब कि वो patient जो कि radiation से exposed हुआ है, उसको अगर हम लोग अगर कहीं पर भी लिखेंगे तो that means इसको इतने रॉन्जेंट जो है radiation मिली है, तो उसका क्या unit है रॉन्जेंट exposure का। जब भी हम यू लिखेंगे कि ये the patient is exposed and इतना उसको radiation मिली है, तो ठीक है आपने unit कौन सा use करना है, रोंजन, और ऐसा यूनिट में रोंजन को क्या कहते हैं, एयर करना। फिर एब्जॉर्ब डोज को रेड कहते हैं और ऐसा यूनिट में ग्रे कहते हैं। इफेक्टिव डोज को कहते हैं रेम और ऐसा यूनिट सी वोल्ट। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर मेडिसिन में जब आप यूज करोगे उस तरह मैं रेडियो एक्टिविटी का पूछूंगी कि कितनी उसको रेडिएशन आपने, कितनी रेडियो एक्टिविटी है, तो आपने क्यूरी का वर्ड यूज करना है, 20 क्यूरी, ठीक है। और ऐसा यूनिट में उसके अंदर क्या है, बैक्यूरल। ये चार तो आप लोगों ने मस्ट याद करने हैं ना, आपके ऊपर वाले यूनिट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, दोनों ऐसे ही यूनिट और ये भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज का लेक्चर सिर्फ बेसिक्स था, आप अगर इसको अब रीड करना है घर जाके, और आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी। अब मुझे बताओ किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन,
बेसिक बेसिक चीजें हमने सिर्फ डिफाइन की हैं कि रेडिएशन के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो यू शुड नो द रेडिएशन प्रोटेक्शन, आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीजें यही है। ठीक है, मुझे बताओ किसी को कुछ ना समझ आया हो? नो मैम, आ गया। मैमोग्राफी जो है ये लो डोज एक्सरेज होती है, इसका ये मतलब है कि हम केवीपी कम देंगे? हाँ बिल्कुल, केवीपी एमए दोनों कम देंगे। एमए जो है वो हमारे पास करंट होता है, ठीक है, कि कितना हम लोग उसको करंट दे रहे हैं, कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, और केवी हम लोग कितना उसके अंदर वोल्टेज यूज कर रहे हैं। जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे उतनी एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, ज्यादा हमें एक्सरेज नहीं चाहिए। सॉफ्ट टिश्यू होता है ब्रेस्ट, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू के लिए हम लोगों को इतनी रेडिएशन रिक्वायर्ड नहीं होती, तो उसके लिए हम उसके लिए लो डोज रखेंगे, क्योंकि हमने रेडिएशन प्रोटेक्शन अलारा को फॉलो करना है ना। अलारा का क्या मतलब था कि एक इमेज भी अच्छा बन जाए, हम पेशेंट को इतनी रेडिएशन भी ना दे सके, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। ठीक है, यस मैम। इसके अलावा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपको सब समझ आ गया। अब आप ने मुझे पढ़ के आना है, जिस इसको इंटरेस्ट है कि एक्सरेज डेवलप कैसे हुए थे, डिस्कवर्ड कैसे हुए थे, नॉन्जन जो है ना वो किस तरह उसने किया था, जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, वो क्या काम कर रहा था और कैसे उसके एक्सरेज। अच्छा, दूसरी ये बात कि मैंने यहाँ पे ना पहली स्लाइड के अंदर आपको ना रेफरेंस बुक लिख दी है, ये वाली, ठीक है। रेफरेंस बुक कौन सी है? रेडियोलॉजिकल साइंस फॉर द टेक्नोलॉजिस्ट, ये बुशोंग की बुक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है ना रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, मतलब आप लोगों के लिए ये रेडिएशन, ये जो है ना, ये समझ लो कि बुक आपने मस्ट लेनी है। ये बुक आप लोग खरीद लो, हार्ड कॉपी में ये बुक सबके पास होनी चाहिए। लेक्चर्स सारे जो है वहां से बने हुए हैं, ठीक है, और उसके अलावा आपने बुक जो है वो अच्छे से वहां पे भी आपको एक्सरे की सारी चीजें मिल जाएंगी, डिटेल में सारी चीजें मिलेंगी वहां पे। ठीक है, तो ये बुक आप लोगों के पास मस्ट होनी चाहिए, आप लोग सब खरीद लो अगर आपने रेडियोलॉजी के अंदर काम करना है। ठीक है, इसके अंदर हर चीज मिलेगी आपको। ठीक, इस बुक का नाम ही है रेडियोलॉजिकल साइंस फॉर द टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए बुक है ये, तो आप लोग ये बुक जरूर बाय कर लो। ठीक है, चलो ओके, बैठ कर करेंगे क्या चीज? क्या बोला बेटा आपने, मुझे आवाज नहीं आई। मैम स्लाइड्स को शेयर करें? स्लाइड्स में अभी जाके ईमेल कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम, चलो ठीक है, ओके, टेक केयर। अच्छा, मैंने अटेंडेंस नहीं ली है तो एक मिनट। मेरे पास अभी कितने पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं? आप में से कोई, मेरे पास अभी ये ना शो नहीं हो रहे, आप में से कोई भी एक स्टूडेंट ना बेशक इमेज ले ले, अभी जितने भी प्रेजेंट है वो मुझे ना ईमेल कर दें, जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी प्रेजेंट है। ठीक है, कोई कर देगा? यस मैम, अभी मेरे पास 59 पार्टिसिपेंट्स हैं जो प्रेजेंट है, 59 जो है ना उनका आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो आप अभी स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे सेंड कर देना कि कौन कौन प्रेजेंट है, मैं उनका फिर नाम मेंशन कर दूंगी अटेंडेंस शीट के ऊपर। ठीक है, अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।